मेरा अभिषेक है, एक पैर नहीं है, लेकिन 85 किलोमीटर से चलकर आकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में 10 साल की राजनंदिनी जल चढ़ाती है। भाई के लिए काफी सारी चीजों को मांगा है, क्या कहोगी? डंड नहीं लगा? हाँ, 85 किलोमीटर चल के आ गई एक पांव पर। हाँ। कैसे आ गई? इसे अभी भी पता नहीं चला से कैसे आ गई, जल चढ़ा लिया। हाँ। क्या मांगा? मेरा भाई हमेशा ठीक रहे। भाई के लिए ही क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। भाई से प्यार? पहली बार आई हो? हाँ। दिक्कत नहीं हुई? नहीं। किसी ने मना किया? मेरी दादी ने, मेरी फुआ ने, मेरी मम्मी, मेरी नाना, सारे सब लोगों ने मना किया। हाँ। लेकिन आज आ गई। क्या बनना चाहती हो? IPS ऑफिसर। क्यों? देश की सेवा करनी है? हाँ। लोगों की सेवा करनी है? हाँ। खुशी हो रही है? क्या कहेंगे पिता भी हैं इनके, क्या कहेंगे बेटी को 10 साल की उम्र में? हम तो कहेंगे से भगवान भोला बाबा के आशीर्वाद से हमारे घर में जन्म लिया है, अब आशीर्वाद से ही पढ़ लिख के कुछ बनेगी, जितना पढ़ेगी मैं उतना पढ़ाऊंगा, इसका सपना है। मना नहीं किया? जब मना तो एक क्षण के लिए हमको मन में आया था सर मैं मना करूं, बाकी जब ये रोने लगी तो भगवान हमें एक पैर दिए हैं कि अब हम नहीं जाएंगे पापा, इतना कलप के रोने लगे, हम कहते नहीं बेटा, अब बेटी पापा के सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, मुझे नहीं, हम ले चलेंगे तुमको कुछ भी हो जाए। सब हमको भी मना किया सर मत ले जाओ, तुम अपने जीत पे क्यों अड़े हो, ऐसे उसे हमारी इसकी मम्मी भी मना की। एक तो ये अपने भाई से प्रेम करती थी और भाई के लिए, भाई का एक 2022 में ऑपरेशन हुआ था, उस समय ये कहती थी से हम मेरा भाई सही सलामत घर लौट आएगा तो मैं बाबा का जल चढ़ाऊँगा। तो पिछले साल मौका नहीं मिला तो पिछले साल हम अपने घर के सामने ही डाक बम की सेवा किए थे, दवा और फल फ्रूट बांट के काफ़ी, ये भी सेवा की थी, हम नहीं यही सेवा की थी। इसके बाद इस बार जब मौका मिला तो कहीं से मैं चलूँगा जाऊँगा बोलबम, हम जो तुमसे नहीं होगा नंदन, तो नहीं हो जाएगा। ये 15 दिन से पहले से ये अभ्यास कर रही थी, कम से कम आधा घंटा एक घंटा चलने का डेली, एक घंटा दो घंटा चलने का अभ्यास, वो भी रेलवे लाइन पे जो पत्थर होते हैं ना उस पर नंगे पैर चलने का, हम बोलते थे कंकड़ करेंगे, ये उस पर चलने का अभ्यास करने लगी। रास्ते में कोई दिक्कत? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब इसको कंकड़ चुभता था तो हम बोलते थे बेटा जब आई है तो कंकड़ चुभा, कंकड़ में ही शंकर है, एक काम करो बेटा यहीं जल चढ़ा देते चलते घर, तो नहीं मैं गई बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है, जाएंगे वहीं चढ़ाएंगे वहीं। हाजीपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी खुशी हो रही है पापा के साथ आई हो। हाँ। क्या क्या खरीदा? बंदूक और कार। किसके लिए? और भाई के लिए। दोनों ही चीज अपने? हाँ। लिए हम ट्रेन में खरीद लेंगे। ट्रेन में खरीद लोगी? काफ़ी खुश है। और महज 10 साल की ये है राजनंदिनी जो इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, और राजनंदिनी ने बताया कि वो IPS अधिकारी बनने वाली है, काफ़ी खुशी है उसको। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, उसके पिता भी काफ़ी खुशी हैं और भाई के लिए ऐसा किया है उसने, क्योंकि 2022 में उसके भाई का ऑपरेशन था और उसके बाद उसने प्रण लिया कि हम भी जाएंगे और 85 किलोमीटर एक पाँव पर आ गई, क्योंकि बचपन से दिव्यांग है।